चेन्नई में आयोजित सिक्स्थ मतलब छठी ओपन नेशनल वॉकिंग चैंपियनशिप मतलब पैदल चाल वॉकिंग चैंपियनशिप में 50 किलोमीटर की चेन्नई में आयोजित सिक्स्थ छठी ओपन नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप पैदल चाल में 50 किलोमीटर की स्पर्धा राजस्थान के जितेंद्र सिंह राठौर ने जीती। आगे लिखिए 18 फरवरी को ताज महोत्सव ब्रैकेट में करो 10 दिवसीय 10 दिन तक चलेगा ताज महोत्सव 10 दिवसीय का शुभारंभ किया गया। जो भी ताज महोत्सव हो रहा है उसका सब्जेक्ट जो है उसका सब्जेक्ट है परंपरा। तो सब्जेक्ट आ सकता है कि ताज महोत्सव का सब्जेक्ट क्या है परंपरा संस्कृति इस टाइप से, तो उसका विषय क्या है परंपरा। आगे लिखिए आरबीआई ने एनी डेस्क ऐप के बारे में चेतावनी जारी की। आरबीआई ने एनी डेस्क ऐप के बारे में चेतावनी जारी की है। आपने देखा होगा ऐसे फ्रॉड कॉल आते हैं, एटीएम का नंबर पूछते हैं, अकाउंट का नंबर पूछते हैं, या फिर बहुत सारी आपने व्हाट्सएप वगैरह पे देखा होगा लिंक भेजते हैं, इसको लिंक को शेयर करिए आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ऐसे फ्रॉड ऐप्स होती है उसको लिंक को ओपन करते हैं अकाउंट से पैसे पूरे गायब हो जाते हैं। तो ऐसी एक ऐप है एनी डेस्क के बारे में आरबीआई ने चेतावनी ये दी है कि अगर इस टाइप के ऐप को अपलोड करने के लिए डाउनलोड करने के लिए आपके पास ऑप्शन आता है तो उसको अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि एनी डेस्क ऐप ऐसी ऐप है अगर इसको फॉलो किया उसको ऑपरेशन लगाया इस पर तो आपका अकाउंट खाली हो सकता है, अकाउंट से पैसे कम नहीं होंगे पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा ऐसे ऐसे हैकर्स। तो आरबीआई ने निर्देश दिया है कि जो एनी डेस्क नाम की ऐप है ये अगर कोई इसको लिंक दे दे तो उसको हम क्या करना है अवॉइड करना है, ना कि उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, ठीक है। इससे पूरा अकाउंट कम पैसे कम नहीं होंगे, बहुत से में क्या होता है कि पैसे कट जाते हैं लेकिन पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा, ठीक है। ऐसी है एनी डेस्क, इसलिए आरबीआई ने लोगों को एक इंस्ट्रक्शन दे दिया है। आगे लिखिए चेन्नई में बेंडीकूट नामक रोबोट पेश किया गया। चेन्नई में बेंडीकूट नामक रोबोट पेश किया गया जो मानव द्वारा मैला मतलब गंदगी जो होती मानव द्वारा मैला साफ करने से छुटकारा दिलाएगा। हिमाचल प्रदेश राजभाषा विधेयक 2019 के अनुसार संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाया जाएगा। मतलब जो भी अगर कार्रवाई होगी ये जो भी कागजी काम होंगे उसमें संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाया जाएगा, संस्कृत में भी काम चलेगा। हिमाचल की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी हो जाएगी संस्कृत। आगे लिखिए महिला सुरक्षा के लिए 112 इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए
112 देशव्यापी नंबर बन गया है। महिला सुरक्षा के लिए आप 112 डायल कर सकते हो, महिला वाले सुरक्षित बनाओ 112 को। लेकिन ये सिर्फ 16 राज्यों में उपयोगी है, ध्यान रखना 16 राज्यों में ही अभी तक इनको लॉन्च करा है। 112 जो लैंड नंबर टोल फ्री नंबर है। भोपाल में 79 भारतीय इतिहास कांग्रेस, भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन होगा, मतलब भोपाल में कार्यक्रम होगा 79 भारतीय इतिहास कांग्रेस। ये कार्यक्रम पहले पुणे में होने वाला था लेकिन उसको पोस्टपोन करके कहां कर दिया है, भोपाल। आगे देखिए राजनाथ सिंह ने NCFL नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह ने NCFL नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन किया। अगे ईरान देश जो है, ईरान ने फतेह ईरान ने फतेह नामक पनडुब्बी लॉन्च की। अभी जिस प्रकार से भारत के जम्मू कश्मीर में पुलवामा पर हमला हुआ था उसी प्रकार ईरान में भी हमला हो गया, आतंकवादियों ने ईरान के सैनिकों को भी मार दिया। आगे लिखिए नेक्स्ट पर बिना GPS, GPS का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, रास्ता वगैरह पाथ वे फाइंड कर लेते GPS के थ्रू। बिना GPS तथा मैपिंग, बिना GPS तथा मैपिंग की क्षमता वाला, बिना GPS तथा मैपिंग की क्षमता वाला पहला रोबोट एंटबोट है। उसको GPS की मैपिंग की कोई जरूरत नहीं है, बिना उसके काम करता है, रास्ता बताने की जरूरत नहीं। दूसरों में क्या होता है GPS वगैरह सिस्टम होता है रास्ता फाइंड करने के लिए, लेकिन ये बिना GPS वाला एक रोबोट है। तो गए आगे देखिए बिहार में सेल SAIL जिसको बोलते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की यूनिट स्टार्ट की है। विजन जीरो सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया नितिन गडकरी ने मुंबई में सुरक्षा सम्मेलन
के अंतर्गत PCS 1X को लॉन्च किया, PCS 1X को लॉन्च किया। प्रख्यात वेदांति स्वामी, प्रख्यात वेदांति स्वामी प्रज्ञानंद जी, प्रख्यात वेदांति स्वामी प्रज्ञानंद जी को एक पुस्तक समर्पित की गई, को एक पुस्तक समर्पित की गई जिसके लेखक को एक पुस्तक समर्पित की गई जिसके लेखक दिनेश शाहरा, दिनेश शाहरा के या आपके 19 फरवरी के 14 कैलेंडर पर